किसी के लिए भी कुछ मत करो। तो क्यों किया? और ना ही कोई एहसान चाहिए। अस्पताल कौन लेके आया था तुम? सॉरी सर। यू डोंट नो। अपनी मर्जी से आती हो, अपनी मर्जी से जाती हो। वो अभी अभी आपने क्या कहा? मैंने नहीं सुना। अच्छा हुआ उस वक्त मैं सबरवाल हाउस छोड़ कर चली। सर शौर्य सर सही कह रहे। तुम्हारी उम्मीद है, तुम्हारे इरादों को मैं कामयाब नहीं होने देने वाला। तो तुमने क्या किया शान? दुनिया में ऐसे कितने बच्चे होते हैं? रिपोर्ट कराने गई थी ना तुम? क्योंकि मैं यहाँ बहुत कम लोगों को जानती हूँ सर। बटी, सबसे पहले इनकी एफआईआर। मैं बस आस्था मैम को अपने बेटे से मिलवाना चाहती हूँ। हम पुलिस हैं, आपकी सेवा में हैं। सबको सूटकेस लिए कहाँ भागने की तैयारी कर रही है? चल कहाँ पर? थाने और कहाँ? अरे शौर्य सर आ रहे। इतने सारे पैसे मैं कल तक कैसे लेकर आऊंगी? इतनी नफरत क्यों है आपको मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? लेकिन ये बात आप सोचिएगा। मैम आप मुझे ट्रांसफर सर्टिफिकेट भेज सकते हो क्या? मैं अभी क्या भाई आपको ईमेल भी भेज देती हूँ। लड़की स्टूडेंट ना घर नहीं पहुंची सर, इसलिए उसको ढूंढने आए थे सर। क्या बात कर रहे हो? कौन सी स्टूडेंट? सर वो अनोखी भल्ला सर। क्या नहीं होगा? ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? बताओ। सॉरी। व्हाट? कह पाएंगे आप? कहाँ हो आप पीएस? आपने तो कहा था कि आप कॉल करोगे, लेकिन इतनी जरूरी बात करनी है आपसे। हम ये बताओ कोई तो वजह होगी जो तुम्हें यहाँ रोक देगी। अब तक ये कॉल भी नहीं आया। बढ़ेगी उनकी तरफ से हैप्पी होगी। अरे मांग लीजिए ना माफी और चले जाइए यहाँ से।